तुम मेरे बहुत प्यारे हो. You are very dear to me. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. I won't spare you. मेरी नजरों से दूर हो जाओ. Get out of my sight. तुम गलत जगह पर आ गए हो. You have come to the wrong place. वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था. He was none other than you. तुम किसी काम के नहीं हो. You are of no use. वो अपनी बाल बना रही है. She is doing her hair. मैंने तुम्हें बहुत पसंद किया है. I have arrested you a lot. तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते. You can't do anything to me. वो बहुत ज्यादा कर्जदार है. He is under heavy debt. Guys, the correct pronunciation of this word is debt, not debt. दिल लगाकर काम करो. Work wholeheartedly. मेरे बालों को मत पकड़ो. Don't grab my hair. मुझे कैसे पता चलेगा? How would I know? मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगा? Why would I call you? तुम मुझसे क्या चाहते हो? What do you want from me? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? What are you hiding from me? अपनी उम्र का तो लिहाज करो. Act your age. बिल्कुल फिक्र मत करो. Don't worry at all. दोस्त होते किस लिए हैं? What are friends for? दोस्त इसीलिए तो होते हैं. That's what friends are for. ये आपको काम आएगा. It will come handy to you. मैं घर पर अकेला हूँ. Simply आप कह सकते हैं I am alone at home. लेकिन बेस्ट तरीके हैं I am home alone. मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा. I won't let him go scot free. उसने मुझे अंदर न आने दिया. He didn't let me come in. या फिर He didn't let me in. पुरानी बातों को छोड़ दो. Let go of the past. मुझे छोड़ दो. Let me go. या फिर let go of me. रस्सी को छोड़ दो. Let go of the rope. मुझे मेरी बात करने दो. Let me put my point. या फिर आप कह सकते हैं let me present my point. मुझे मायूस मत करना. Don't let me down. उसे आने दो.
Let him come. Nazar na lage. Touch wood. Kya tum mujhe saath le jaoge? Will you take me along? Uska nasha abhi tak nahi utra hai. His hangover is still not over. Chalo chale. Let's go. Ya phir aap keh sakte hain, let's make a move. Mere paas sirf 20 rupaye bache hain. I am only left with 20 rupees. वो मेरे दिल में छुपी हुई जज्बातों को कभी नहीं समझ सका. He could never understand my pent-up emotions. ये हुई ना बात. ये जुमला हम अक्सर बोलते हैं. ये हुई ना बात. That's more like it. उसकी गजब की मुस्कुराहट ने मुझे चूर चूर कर दिया है. Her dazzling smile has smitten me. अच्छे दोस्तों से दूर होना अकेलापन के एहसास दिलाता है. Being away from good friends produces a pang of loneliness. मैं शुरुआत से यहाँ काम कर रहा हूँ. I have been working here since inception. मैं नल से पानी की टपकने की आवाज सुनी. I heard the trickle of water from the tap. उसने तुम पर जादू कर दिया है. He has put a spell on you. जरूरत ही नहीं है या फिर मतलब ही नहीं है. ये भी कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता. गाइज ये जुमला कब इस्तेमाल करते हैं? अक्सर होता है, मान लीजिए आपका एक दोस्त आपसे बहुत गुस्सा है. अब आपका दूसरा दोस्त कहता है कि मैं जाकर उसे यहाँ लेकर आता हूँ. तब आप ये जुमला बोलते हैं, जरूरत ही नहीं है या फिर सवाल ही पैदा नहीं होता. तो इसकी इंग्लिश होगी नो वे. इसमें कौन सी बड़ी बात है? What's the big deal in it? ये काफी अच्छा है. It is pretty good. जरा इन पर नजर डालिए. Take a look at these. मेरा मानना है कि वो एक चोर है. I reckon that he is a thief. मैं इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है. I've never given it much thought. कभी वो मेरा दोस्त था. Once he was my friend. कभी हार मत मानो. Never give up. हमेशा की तरह. As usual. कुछ बढ़िया. Anything worthy. मजाक कर रहे हो क्या? Are you kidding? पता है. You know what?
दूसरा ले लो. हैव अनदर वन. मजे करो. हैव फन. भूल जाओ. फॉरगेट इट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर. तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? कितना बकवास है. हाउ रिडिकुलस. मुझे इसकी आदत है. आई एम यूज्ड टू इट. जो होता है अच्छाई के लिए होता है. ऑल हैपेंस फॉर गुड. ये फायदे का नहीं है. इट इज नॉट वर्थ इट. अब तुम्हारी बारी है. इट इज योर टर्न नाउ. सच में? रियली? या फिर इज इट? ये लीजिए. देयर इट इज. या फिर हियर यू गो. और इसी तरह. एंड सो ऑन. तुम सबसे बढ़कर हो. यू आर आउट स्टैंडिंग. तुम कमाल के हो. यू आर ऑसम. तुम बहुत अच्छे हो. यू आर सो नाइस. तुम गजब के हो. यू आर फैंटास्टिक. तुम भरोसेमंद हो. यू आर ट्रस्टवर्दी. मैं तैयार हूँ. ये जुमला हम अक्सर बोलते हैं. मैं तैयार हूँ. इसे हम तीन तरीकों से बोल सकते हैं. आई एम रेडी. आई एम इन. या फिर आप कह सकते हैं आई एम गेम फॉर इट. मैं तैयार नहीं हूँ. आई एम नॉट इन. या फिर आई एम आउट. आजकल ऑरेंज कलर का फैशन है. ऑरेंज कलर इज इन दीज डेज. आजकल ऑरेंज कलर का फैशन नहीं है. ऑरेंज कलर इज नॉट इन दीज डेज. या फिर ऑरेंज कलर इज आउट दीज डेज. मतलबी मत बनो. डोंट बी मीन. ये किसके लिए? व्हाट इज इट फॉर? एक काम करोगी? विल यू डू वन थिंग? बातें बहुत हो गई, अब चले. इनफ टॉक. लेट्स गो नाउ. कौन शुरू करेगा? Who will have a go?